Assalamualaikum and a very warm welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So my dear YouTube family, आज हम जा रहे हैं द्रास की ओर. द्रास जिसे second coldest inhabited place in the world माना जाता है. So अभी हम द्रास के लिए निकले हैं, तो बने रहिए आप वीडियो में एंड तक. So रूट कहीं क्लीन है तो कहीं स्लीपरी है, जिसे आप देख पा रहे हो सामने फुली बर्फ ही बर्फ है एंड ये काफ़ी स्लीपरी है, यानी इसके ऊपर आइस जैसे जमी हुई है. सो दैट्स वाई ये थोड़ा रिस्की है एंड कुछ जगहों पर सही है. अच्छा था ना, पहले नींद आ रहा था ना, इसलिए बोला पहले नींद आ रहा था ना, अकेले बिठना. इस वक्त हम हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल खसगम द्रास. यहाँ पे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जबाल जज़वी ने इंस्पेक्शन किया, तो अभी आगे जा रहे हैं. अभी हम खसगम से निकले द्रास की ओर. तो रोड में कुछ जगहों पे तो सनलाइट अच्छा खासा पड़ने की वजह से पानी पानी हो रखा है, बट कुछ जगहों पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है. बट आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है, फुली सनी है, दैट्स वाई इतनी ठंड नहीं है. आई वुड से कि जितना बाजार यानी कारगिल में है उतनी ही है, ज़्यादा नहीं है. अदरवाइज द्रास को तो काफ़ी सर्द तरीन इलाका माना जाता है. अभी तक मुझे उतनी ठंड लगी नहीं. तो हम जा रहे हैं अभी द्रास की ओर एंड देन कुछ और स्कूल्स का विज़िट करना है ऑनरेबल ईसी को, तो उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं द्रास एंड हम जा रहे हैं इस स्कूल में जो कि है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास. आगे तो आपको बाद में बताएंगे. सो ये रहा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास. इसके एकदम बगल में दूसरे साइड में है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास. वाह वाह, इरशाद इरशाद अंसिस बच्चों सख सही हो तो जब से मोल ही तो बात पता ना. सो राइट नाउ आई एम हियर एट वेयर द्रास. सो ये रहा द्रास मार्केट एंड बर्फ यहाँ कितनी पड़ी आप ऊपर वाले छत से अंदाजा लगा सकते हैं. अभी हम जा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास की ओर, क्योंकि ऑनरेबल ईसी वहाँ जा रहे हैं एक सरप्राइज विजिट देने. सो ये रहा हॉस्पिटल एंड यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी है, आप देख लीजिए.